अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत होंगे। आज हम मौजूद हैं वापडा टाउन फेस टू मुल्तान में और आपको विजिट करवाने लाए हैं 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस। सबसे पहले हम आपको इसका स्ट्रीट व्यू करवा देते हैं। ये जी इसका स्ट्रीट व्यू, लोकेलिटी आप देख रहे हैं, टोटली डेवलप एरिया। फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह डिज़ाइनर हाउस तैयार किया गया मॉडर्न एलिवेशन में। राइट साइड का जो पैच है इसमें आपको रॉक वॉल का काम मिल जाता है और लेफ्ट साइड पर आपको एक टेरेस दिया गया है। और इसके जो दरमियान वाला हिस्सा, इसमें आप देख रहे हैं साथ डायल यूज़ की गई हैं ब्राउन कलर की, साथ ही बहुत खूबसूरत फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है फ्रंट एलिवेशन में। ये जी इसका कंप्लीट व्यू आप कर रहे हैं इसके एलिवेशन का। चलते हैं आपको इसका क्लोज व्यू करवा देते हैं। बाहर वॉल पे आप देख रहे हैं रॉक वॉल किया गया है, साथ आपको एक्सटर्नल लॉन की स्पेस दी गई है। ये जी इसका मेन डोर आ गया, ब्लैक कलर में दिया गया, साथ ही आपको कार रैंप की स्पेस मिल जाती है। और यहाँ से एक दफ़ा आपको कम्प्लीट व्यू करवा देते हैं इसके एलिवेशन का। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, 10 मरले का ये हाउस है। चलते हैं घर के अंदर और आपको अंदर का टूर करवाते हैं। घर की प्राइस, फ्लोर प्लान आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नहीं हुए तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये जी घर में एंटर हो गए हम और ये जी इसका पार्किंग एरिया आ गया। सबसे पहले टाइल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैट टाइल यूज़ की गई हैं। और ये जिसका पार्किंग एरिया, सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं वुडन स्टाइल में डिज़ाइन किया गया, बहुत ही खूबसूरत। साथ स्टार लाइट यूज़ की गई हैं और सामने आपको मेन डोर दिया गया इसका, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी किया गया। और जो लकड़ी है इसमें बहुत ही अलग क्वालिटी की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। और स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ ग्रेनाइट यूज़ किया गया। पार्किंग स्पेस की बात की जाए तो दो गाड़ियाँ आप इसमें पार्क कर सकते हैं, साथ बायलास के मुताबिक आपको गली दी गई है। और राइट साइड पे आपको एक गैलरी मिल जाती है जहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांटर्स रखे गए हैं, साथ डेकोरेशन की गई है बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं मेन डोर से घर के अंदर और आपको अंदर का टूर करवाते हैं। ये जिसका आप क्लोज व्यू कर रहे हैं मेन डोर का, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। ये जी इसकी मेन एंट्रेंस आ गई और ये मेन एंट्रेंस की टाइल्स आप देख रहे हैं। राइट साइड पे आपको इसे के ड्राइंग रूम का डोर दिया गया और ये जी इसके टीवी लाउंज का डोर आ गया मेन। साथ ही आपको स्टेयर मिल जाती हैं जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए अटैच की गई हैं। साथ ही ये इसका पाउडर रूम आ गया, स्टेयर के नीचे दिया गया। पाउडर रूम दिखा देते हैं आपको सबसे पहले। ये जी इसका पाउडर रूम और चलते हैं आगे और आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा देते हैं। डोर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया और ये जी इसका ड्राइंग रूम आ गया। ये इसके टाइल्स लाइट ब्राउन कलर की टाइल्स यूज़ की गई हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये जी इसका सीलिंग डिज़ाइन अगेन वुडन स्टाइल में दिया गया। सामने वीडियो वॉल देख रहे हैं आप जो कि शीट से रेडी की गई है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। और इनकी जो क्वालिटी है शीट्स की, बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट का इस्तेमाल किया गया इसको डिज़ाइन करने में। और सामने आप देख रहे हैं जो इसका डोर्स है वो आपको रिंगिंग वाले दिए गए हैं, तो आजकल ट्रेंडिंग में यही डोर है, तो इन्होंने साथ रिंगिंग डोर अटैच किए गए इसके पार्टीशन करने के लिए लॉन्च की और इसके ड्राइंग रूम की। और इसमें आप साथ देख रहे हैं फैंसी ग्लास यूज़ किया गया। ये कंप्लीट व्यू करवा देते हैं आपको इसके ड्राइंग रूम का। ये जिसका कंप्लीट व्यू, सामने वॉल डेकोर किया गया, साथ ही आपको विंडो पैनल मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। और यहीं से हम चलते हैं इसके टीवी लॉन्च में। ये जिसका टीवी लॉन्च आ गया ग्राउंड फ्लोर का, सामने इसके मीडिया वॉल और ये जिसकी टाइल्स और ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। और यहाँ से आप उसकी कंप्लीट मीडिया वॉल दिखा देते हैं। ये जी इसकी मीडिया वॉल आ गई टीवी लॉन्च की, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। और लेफ्ट साइड पे आपको ये ओपन स्पेस मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको उसका किचन दिया गया है ग्राउंड फ्लोर का, जो कि डोर लगा के सेपरेट किया गया है। यहाँ भी आप देखते हैं जो डोर्स हैं वो रिंगिंग वाले यूज़ किए गए हैं और इसमें फैंसी ग्लास लगाया गया है। और ये जी इसका किचन आ गया ग्राउंड फ्लोर का, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया किचन को। ये इसकी टाइल्स और जो शीट्स हैं वो बहुत ही अलग क्वालिटी की यूज़ की गई हैं किचन में। साथ ही आपको ये माइक्रोवेव ओवन के लिए स्पेस दी गई है, इसमें चूल्हे के लिए स्पेस आपको दी गई है। हुड अभी इसका इंस्टॉल होने वाला है। और साथ ही आपको डोर मिल जाता है जो इसके साथ गली के साथ अटैच किया गया। यहाँ से एक कंप्लीट व्यू करवा देते हैं किचन का। ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया, साथ ही चलते हैं मज़ीद आगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ ही ये वॉल डेकोर किया गया, साथ इसमें मिरर लगाया गया टॉप तक। और यहाँ से ही मज़ीद आगे चलते हैं तो आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं। 10 मरले का ये हाउस है, दो बेड दिए गए हैं आपको ग्राउंड फ्लोर पर। सबसे पहले आपको ये इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा देते हैं। ये जिसका फर्स्ट बेडरूम आए आप देख रहे हैं और ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया,
सामने वॉलपेपर यूज़ किया गया कंप्लीट वॉल पे, और साथ टू साइडेड आपको विंडो पैनल मिल जाता है। और आगे चलते हैं तो ये आपकी कबर्ड्स आ गई, रूम के साथ ही आपको दी गई है बाहर फुल साइज़ की कबर्ड्स दी गई हैं। और इनकी जो शीट्स हैं बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट का इस्तेमाल किया गया। और ये जी इसका अटैच वाशरूम आ गया, ये देखें ये जी इसका वैनिटी, साथ लाइटिंग मिरर लगाया गया बहुत ही खूबसूरत। और ये जी इसका शॉवर एरिया आ गया, टाइल्स आप देख रहे हैं टॉप तक यूज़ की गई हैं, ये बहुत है कमोड आ गया। और यहाँ से कंप्लीट व्यू करवा देते हैं वॉशिंग का, ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं मज़ीद आगे और आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा देते हैं क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही दिया गया। ये जिसकी ओपन एरिया आ गया, इसके वॉल पे आप देख रहे हैं वॉल डिकोर किया गया, साथ आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया। ये जिसका सेकंड बेडरूम, और ये जिसकी टाइल्स, इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया। चलते हैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देते हैं अटैच वाशरूम में, ये जी इसका अटैच वाशरूम, सामने इसका वैनिटी आ गया, ये जी इसका वैनिटी। और ये जी इसका शॉवर एरिया दिया गया आपको, और यहाँ पर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, कमोड भी लगा हुआ है, डब्ल्यूसी भी आपको दिए गए। इसकी आप पार्टीशन भी करना चाहें तो शॉवर एरिया जी आप कर सकते हैं, इसमें गिलास लगा सकते हैं और इसकी पार्टीशन भी हो सकती है। वॉशरूम का जो साइज़ है बहुत ही अच्छे साइज़ के खुले वॉशरूम दिए गए। और यहाँ पर जो कबर्ड्स हैं वो आप देख रहे हैं कि आपको वॉशरूम के अंदर ही दी गई है फुल साइज़ की। और इनकी जो कबर्ड्स के जो पन्ने हैं वो आपको रीलिंग वाले दिए गए, ये आप देख रहे हैं। चलते हैं मजीद आगे और आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलते हैं, इस घर के फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत 10 मरले के हाउस को डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइनर हाउस है। अगेन चलते हैं इसके मेन एड्रेस पर और वहाँ से इंटर होते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। यह जी इसकी स्टेयर्स आ गई फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। और ये जी ग्रिल आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर के साथ ग्रिल दी गई है आपको बहुत ही डिसेंट। ये जी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और इंटर होते साथ ही ये एक छोटा सा आपको स्टडी रूम आप कहने दिया गया आपको। और यहाँ से इसके आपको लॉबी का व्यू करवा देते हैं, सामने वॉल पे आप देख रहे हैं ये टॉप तक वॉलपेपर यूज़ किया गया। और ये जिसकी लॉबी आ गई एक डबल हाइटेड व्यू में, और साथ ही बहुत खूबसूरत एक फनोस लगाया गया ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से एक कंप्लीट व्यू करवा देते हैं एक दफ़ा अगेन, ये तक ग्रिल आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत यूज़ की गई है इसमें। और ये जिसका कंप्लीट व्यू आ गया लॉबी का, साथ ये सीलिंग डिज़ाइन देखें। इंटर होते साथ ही आपको एक इसका फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है जो कि इसके फर्स्ट पोर्शन के साथ फ्रंट एलिवेशन के साथ अटैच किया गया, वो आपको बाद में दिखाते हैं। चलते हैं मज़ीद आगे, ये जी इसका स्टोर रूम आ गया, ये इसका स्टोर रूम। और यहाँ से ही आपका ये इसका बैक वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से हम इंटर होते हैं इसके लिविंग एरिया में। और ये जी इसकी टाइल्स, सामने इसकी मीडिया वॉल आ गई जो कि वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, साथ ही आपको फुल साइज़ का विंडो पैनल मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। और ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया, स्टारलाइट यूज़ की गई है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको इसका ओपन किचन मिल जाता है, यहाँ पर आपको ओपन किचन दिया गया इसके फर्स्ट फ्लोर पर। ये जिसका किचन आ गया, इसकी स्पेस आप देख रहे हैं एक अच्छी स्पेस का किचन दिया गया। और जो शीट्स हैं वो यहाँ भी बहुत ही अलग क्वालिटी की यूज़ की गई हैं। यहाँ से चलते हैं मज़ीद आगे, और इसके साथ ही आपको किचन के बैक पर मिल जाता है इसका ओपन एरिया, ये दिखा देते हैं आपको। ये जिसके इसका ओपन एरिया आ गया, और ये सेम एज इट इज़ आपको जैसे नीचे 2 बेड दिए गए थे, ये आपको ऊपर 2 बेड मिल जाते हैं। यहाँ पर एक निश बनाई गई है जिसमें 7 वॉलपेपर लगाया गया। ये जिसका फर्स्ट बेडरूम आ गया फर्स्ट फ्लोर का, ये इसकी टाइल्स, और ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉलपेपर यूज़ किया गया कंप्लीट वॉल पे। और यहाँ पर आप कबर्ड्स देख रहे हैं, आपको बायरी दी गई है और एक बड़े साइज़ की कबर्ड्स दी गई हैं। और इनकी जो शीट्स की क्वालिटी है बहुत ही अलग यूज़ की गई है, साथ ही आपको वॉशरूम मिल जाता है इसका अटैच, ये जिसका अटैच बाथरूम आ गया, ये वैनिटी, और ये जिसका शॉवर एरिया। और यहाँ पर टाइल्स आप देख रही हैं, तकरीबन तमाम वाशरूम में जो टाइल्स हैं वो टॉप तक यूज़ की गई हैं। और ये जिसका साथ ही सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं सेकंड बेड दिखा देते हैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का,
ये जिसका सेकंड बेडरूम, और ये इसके टाइल्स, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया। और यहाँ पे जो कवर्स हैं वो आपको बाहरी दी गई हैं। यहाँ पर आपको टू साइड का पैनल मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। और ये जी कवर्स आ गई वॉशरूम के बाहरी, और वॉशरूम दिखा देते हैं आपको इसका अटैच। ये जी इसका वॉशरूम आ गया, ये जी इसका अमेनिटी, और ये इसका शॉवर एरिया ब्लैक और वाइट थीम में वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। और ये जी इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया। साइज़ जो मैं बहुत ही अच्छे यूज़ किए गए हैं वॉशरूम के, 10 मरला के हाउस में। चलते हैं इसके फ्रंट एरिया में, और चलते हैं फ्रंट एरिया में दिखा देते हैं आपको। इसके फ्रंट एरिया में आपको एक बेडरूम मिल जाता है जो कि इसका लास्ट बेडरूम है। ये जिसका लास्ट बेडरूम आ गया, 5th बेडरूम, 5 कमरों का ये हाउस है 10 मरले का। ये टाइल्स आप देख रहे हैं सेम यूज़ की गई हैं, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया। सामने वाल पेपर यूज़ किया गया इसके मीडिया वॉल में। और यहाँ पर आपको ये अटैच वॉशरूम दिखा देते हैं। ये जी इसका अटैच वॉशरूम आ गया। सामने इसका शॉवर एरिया, और ये जी इसका सीलिंग डिज़ाइन, और साथ ही आपको ये विंडो पैनल मिल जाता है एक फुल साइज़ का। यहाँ से आप आए गैलरी का भी व्यू कर सकते हैं, और ये छोटी सी बालकनी भी दी गई है आपको रूम के साथ ही अटैच की गई है। चलते हैं इसके फ्रंट टेरेस पे, और फ्रंट टेरेस का व्यू करवा देते हैं आपको। ये जिससे फ्रंट टेरेस का डोर आ गया, ये जिसके टेरेस पर आ गए हैं, टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया इसके टेरेस पर सेफ्टी के लिए। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एलिवेशन को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए प्लांटर्स रखे गए हैं, और ये टाइल वर्क किया गया जैसा कि आपको दिखाया था। यहाँ से आप लोकेलिटी देख सकते हैं, टोटली डेवलप एरिया। घर के प्राइस की बात की जाए तो 3 करोड़ 20 लाख इसकी डिमांड है 10 मरले का ये हाउस है। मज़ीद डिटेल के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।